दिल्ली के रामलीला मैदान में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे अरविंद केजरीवाल। दोपहर 12:15 पर होगा समारोह, जुटेंगे करीब 1,00,000 लोग। आज वाराणसी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 30 से ज्यादा परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। बीएचयू में 430 बेड का सुपर स्पेशलिटी की सौगात। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बड़ी टिप्पणी, कहा असहमति को देश विरोधी ठहराना लोकतंत्र की आत्मा पर चोट। आईएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपनी ही सरकार को दिखाया आईना, कहा ऐशो आराम में बढ़ोतरी के बावजूद हर कोई नाखुश है और कर रहा है आंदोलन। महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच दूर हुआ मनमुटाव, एल्गार परिषद के विवाद के बाद दोनों ने साझा किया मंच। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा पर बवाल, नीतीश के मंत्री नीरज कुमार का दावा, तेजस्वी की हाईटेक लग्जरी बस बीपीएल कार्ड धारक के नाम पर। घाटी में अब भी नहीं सुधर रहे हैं हालात, जम्मू कश्मीर में 3G 4G इंटरनेट सेवा पर 24 फरवरी तक जारी रहेगा प्रतिबंध। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत में सुधार नहीं, भेजे जा सकते हैं दिल्ली एम्स में चलेगा इलाज, अभी रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं लालू। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने किया बड़ा ऐलान, कहा जून तक गठित होगी देश की पहली एयर डिफेंस कमांड। आज से शुरू होगी काशी महाकाल एक्सप्रेस, वाराणसी से इंदौर के बीच चलेगी ट्रेन, इंडियन रेल कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा चलाई गई ट्रेन आज वाराणसी से भरेगी रफ्तार, 20 फरवरी से आम यात्री ले पाएंगे सेवा का लाभ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने किया बड़ा दावा, कहा सेना से नहीं डरती सरकार, सेना अच्छी तरह से जानती है कि मैं न तो पैसा कमा रहा हूँ और न ही भ्रष्ट हूँ। म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में यूएस सेनेटर ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी सेनेटर को दिया करारा जवाब, एक लोकतांत्रिक देश के तौर पर भारत सुलझाएगा मुद्दा। जापानी जहाज से कोरोना वायरस से ग्रसित भारतीयों को निकालने के प्रयास तेज, अधिकारियों ने की पुष्टि, जहाज में 3 भारतीयों समेत 218 लोग वायरस की चपेट में। अमेरिका और ईरान के बीच नहीं थमा विवाद, अमेरिकी दूतावास पर 19वीं बार रॉकेट से हमला, अमेरिकी सेना से जुड़े सूत्रों ने की पुष्टि। यमन में सऊदी अरब ने अपना विमान गिराए जाने के बदले में की एयर स्ट्राइक, अब तक 31 लोगों ने गवाई जान, कई लोगों के घायल होने की खबर। जीआर विवाद में वोडा आइडिया ने फिर मांगा समय, कुछ दिनों में बकाया देने को तैयार, बकाया चुकाने की डेडलाइन शुक्रवार रात 12 बजे ही हो चुकी है खत्म। हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयर इंडिया ने शुरू की एयर फेयर सेल, 799 रुपए में करते हैं डोमेस्टिक सफर, विदेशी यात्रा के लिए देने होंगे 4,500 रुपए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान, कहा तेजी से मिल रहा रेपो रेट कट का फायदा, लोन डिमांड में आई तेजी। ट्रेड पर दिखा चीन में फैले कोरोना वायरस का असर, भारत का 28% आयात हो सकता है प्रभावित, इलेक्ट्रिकल मशीनरी मैकेनिकल अप्लायंस सब चीन पर निर्भर। मोदी सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए आयकर विभाग को दिया लक्ष्य, आईटी डिपार्टमेंट को जुटाने होंगे 2,00,000 करोड़, कमाई पैसे से सरकार दूर करेगी समस्या।